यूनाइटेड नेशन। ओनली एग्जाम नोट्स फॉर ऑल एग्जाम्स बाय सी के सर। तो आप लोग देख रहे हैं बीएससी फर्स्ट चैनल। आज मैं आपको यूएनए के बारे में बताने वाला हूँ। यूएनए का फुल फॉर्म आपको बता दें, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुआ था ना, था जितने भी विजेता देशों थे वो सब मिलके यूएनए का स्थापना किया। मुख्यालय इसका है मैनहट्टन का न्यूयॉर्क। अधिकांश भाषा हिंदी, चीनी, अरबी, रूसी, फ्रांसीसी, स्पेनी है। और इसके बाद कीजिए अध्यक्ष का, आप लोग देख रहे हैं जो चित्र में है, ये पुर्तगाल के हैं। इनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। और नोट किया जाए, इन लोगों का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। किन लोगों का? अध्यक्ष लोगों का, फर्स्ट महासचिव त्रिवेली और फर्स्ट भारतीय विजय लक्ष्मी पंडित, जो इनके पहले भारतीय अध्यक्ष थे। सेकंड बात करें स्थापना के समय कुल 50 देश ने हस्ताक्षर किया। पोलैंड हस्ताक्षर नहीं किया था स्थापना के समय, लेकिन बाद में घोषित होकर हस्ताक्षर कर दिया। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र में 193 देश हैं और 153 देश आपका दक्षिणी सूडान है। जो आप लोग वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। देखिए इसमें 5 देश हैं, कौन कौन देश है? यूएसए, ब्रिटेन, रसिया, फ्रांस। और अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्षों के लिए होता है। इसमें भारत भी शामिल है और भारत इस बार 5वीं बार इसमें शामिल हुआ है। इसके देखो प्रमुख अंगों की बात किया जाए तो आपको फर्स्ट हो जाएगा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, सेकेंड है विन्यास परिषद, और थर्ड है सचिवालय, और फोर्थ है न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय, और 5 है महासभा, और 6 है सुरक्षा परिषद। आप लोग इस वीडियो को पूरा प्रेम से पढ़ लीजिए ताकि हर एग्जाम में, या एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा। जितने भी ग्रुप डी एनटीपीसी के एग्जाम हुआ है, हर एक उन्हें बात किया जाए, एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए वीडियो देखने के लिए आप लोग को थैंक्स। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के आइकन को दबा लीजिएगा ताकि जब भी कोई मैं वीडियो डालूं तो आप तक पहुंच जाएगा। ये थैंक्स दोस्तों, बीएससी फर्स्ट एडिशन से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो फ्रेंड्स प्लीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय दोस्तों।